हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बता रही हूँ। सबसे पहले साड़ी को उल्टी साइड कर लेंगे, जहाँ पे पीकू लगी हुई है वहाँ से इंची टेप की सहायता से हम 10 इंच तक एक मार्क लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है। कुछ कुछ लोग 9.5 पे भी लगा लेते हैं, कुछ कुछ 10 पे भी लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक ही लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं। फिर हम फॉल को इस तरह से, जो अपन जहाँ पे अपन ने मार्क लगाया हुआ है वहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे, और एक पिन पिन से उसको पिन से उसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारी जो फॉल है वो इधर उधर नहीं जाए। और फिर हम फॉल लगाना शुरू कर देंगे। हम नीचे की साइड से मशीन से लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर हाथ से लगाएंगे। देखिए, हम मशीन में फॉल और साड़ी को इस तरह रख लेंगे। हमारी जो साड़ी है वो नीचे रहेगी और फॉल ऊपर रहेगी। इस तरह धीरे धीरे सिलाई करते जाएंगे। हमारी फॉल इस तरह से नीचे साइड को लग गई है। अब हम ये ऊपर साइड को यहाँ पे हाथ से फॉल लगाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से ऐसे टाँके लगाते जाएंगे। जिनकी साड़ी में झोल आ जाता है या जो लोग बिगनर्स हैं वो ऐसे पिन पिन लगाकर फॉल लगा सकते हैं। देखिए, मैंने ये 3 पिन ऐसे लगा लिए हैं। एक तो इधर पे लगाया जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, और 2 यहाँ पर ये फॉल लगा रहे हैं, वहाँ हम थोड़े थोड़े बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े टाँके डालेंगे। और जो साड़ी का साइड होगा वहाँ हम ये छोटे छोटे ऐसे ये छोटे छोटे टाँके लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो जब हम साड़ी पहनेंगे तो ये फॉल के टाँके यहाँ पे शो नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी फॉल लग गई है। ये बैक साइड पे इस तरह से दिखेगी और फ्रंट पे ये देखिए इस तरह से। इसमें छोटे छोटे टाँके हैं जो दिखेंगे नहीं जब आप साड़ी पहनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।